उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर कभी ना गुस्सा करने और क्षमावान रहने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो जलाता ही है, साथ में वह खुद भी जल जाता है। सभा में सभी लोग शांति से बुद्ध भगवान की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही एक अति क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला एक ऐसा ही व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी सी लग रही थी। वह कुछ देर यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही वह आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध भगवान शांत रहे और उसकी ऐसी बातों से ना तो वो दुखी हुए ना ही उसकी कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूका और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध उसे वहां नहीं मिले क्योंकि वह अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में उपदेश देने जा चुके थे। उस व्यक्ति ने वहां के लोगों से बुद्ध भगवान के बारे में पूछा और उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया जहां पर वह प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों माफी मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप मुझे भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध बड़े प्यार से बोले, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी तक वहीं पे अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का मानो सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर कभी ना गुस्सा करने और हमेशा क्षमावान रहने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। उस दिन से उसमें बहुत परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं, जबकि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती का एहसास बोध हो जाने पर हमें उस गलती को दोबारा ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने वर्तमान को और बेहतर और सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भगवान बुद्ध की कहानी बीता हुआ कल। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।